जय श्रीमन नारायण। मित्रों महर्षि पाराशर बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के 19वें अध्याय में सप्तम भाव फलाध्याय लिखते हैं। सप्तम भाव में पत्नी के संपूर्ण स्वभाव के विषय में, उसके स्वरूप के विषय में, मित्रता के विषय में, पार्टनरशिप के विषय में तथा साझेदारी के विषय में बहुत कुछ बताते हुए कुल मिलाकर 42 श्लोक लिखते हैं। और इन 42 श्लोकों में से आज के पहले हमने 19 श्लोकों तक की चर्चा कर ली है। विस्तृत व्याख्या करते हुए सारे के सारे वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब पर जाइए और वहां जा करके उन सारे वीडियोस को देखिए जो शुद्ध वैदिक ज्योतिष के ज्ञान से परिपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आज हम 20वें श्लोक को देखते हैं कि महर्षि पाराशर 20वें श्लोक में क्या कहते हैं। कहते हैं कि कलत्र स्थान अगे भव में शुक्रे जामित्र गे सनौ लगने से रंध्र राश स्थे कलत्र त्रयवान भवे। तो मित्रों महर्षि पाराशर कहते हैं कि आपके जन्म कुंडली के 7वें घर में अगर मंगल शुक्र के साथ बैठा हो या फिर शनि भी उनके साथ में हो और आपकी कुंडली का लग्नेश अगर 8वें घर में बैठा हो तो निश्चित रूप से ऐसे जातक की 3 पत्नियां होती हैं, अर्थात ऐसा जातक 3 विवाह करता है। तो मित्रों इन सूत्रों में जो महर्षि पाराशर ने बतलाया है इसमें एक टर्म एंड कंडीशन अवश्य ही रहता है। जितने भी सूत्र आज तक हमने आप लोगों को बताए हैं उनमें ये आपको देखना जरूरी है कि स्वराशि का कोई ग्रह हो तो उसका वो दोष नहीं होता है अथवा गुण हो तो बढ़ जाता है। इस प्रकार से आप देख करके ही इसका फलादेश करें। और अगर आपको समझ में ना आवे तो आप हमारे YouTube पर आइए और वहां आकर किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने मत डिटेल के साथ में अपना प्रश्न भी लिख करके छोड़ दीजिए। हमें जैसे ही समय मिलेगा हम आपके प्रश्न का बिल्कुल निःशुल्क और सटीक उत्तर YouTube पर ही दे देंगे। और यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो जो नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर के आप अपनी कुंडली के ऊपर हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, जय श्रीमन नारायण।